जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 15। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग न विश्वरूप संदर्शन योग सिखा रहा। इसी क्रम में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा, हे देव के देव, हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, थारा दिव्य ब्रह्मांडे शरीर में मैं सभी देवता न देखू हूँ। मैं सभी प्राणियों की भीड़ न देखू हूँ। मैं कमल का फूल पर बैठा चार मुख वाला ब्रह्मा न भी देखू हूँ और मैं शिव न भी देखू हूँ, जो थारा आदेशों का पालन कर रहा। हे श्री कृष्ण, मैं थारा दिव्य सार्वभौमिक रूप में सभी ऋषियों, दिव्य चमकता वासुकी और अन्य सभी नागों ने भी देखू हूँ। इस प्रकार अर्जुन उन सभी विशेषताओं को वर्णन कर रहा जो वह विश्व रूप में देख रहा। आओ मैं इन सभी चीज़ों की कल्पना श्री कृष्ण का सार्वभौमिक रूप में करने को प्रयास करा। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन्नारायण का प्रति समर्पण करके अपना जीवन न सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ आओ मैं अर्जुन का शब्दाना श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मन वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन कर, मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करीशे वचनम त्व, जी को अर्थ कृष्ण मैं बहियाँ करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान कर। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपना दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन्नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहले वचन, हे श्रीमन्नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारा में सोचूँगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जहाँ थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन्नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मना थारा सब
माँ सुचाहा याद आवा। थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया। अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन हे श्रीमद नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनना को वादो करूं। मारो आठों वचन हे श्रीमद नारायण, थे सारी मानवता न गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा न आठ वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमद नारायण न वचन देवा कि मैं वही ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आत्मा यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास का साथ वचन देवा। जय श्रीमद नारायण। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् ॐ। पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ा से तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज एक मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ जो कि www.narayanstrot.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहो जावा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत पाठ पढ़े या सुने तो संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी होगा। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन अहिया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।